हेलो, आज हम MA फाइनल की कृषि भूगोल की कक्षा में भारत में भूमि उपयोग सर्वेक्षण के संबंध में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने विश्व में भूमि उपयोग सर्वेक्षणों के बारे में पढ़ा था। भारत में भूमि उपयोग सर्वेक्षणों का प्रारंभ किस तरीके से होता है और किस दृष्टिकोण से ये कार्य किया जाता है। भारत में औद्योगिकरण एवं आबाद गति से बढ़ती जनसंख्या ने भूमि और भोजन के बीच असमंजस उत्पन्न कर दिया है, जिससे भूमि के उपयोग व दुरुपयोग की समस्याएं उत्पन्न हो गई। एक तरफ कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व बढ़ता जा रहा है, ऐसी स्थिति में मानव और भूमि संबंधों में संतुलन स्थापित करना और उत्पादकता की वृद्धि की समस्या मुख्य हो गई। इसका एक मुख्य कारण औद्योगिक क्षेत्रों का विकास, इन समस्याओं का निराकरण नियोजन द्वारा ही हो सकता है। सामान्यतः यदि हम बात करते हैं तो विश्व में भारत में भूमि उपयोगों का अध्ययन आवश्यक है, क्योंकि भारत की जनसंख्या में ज्यामितीय वृद्धि हुई है। वहीं जबकि हम जानते हैं कि भूमि संसाधन अपने आप में सीमित हैं, ऐसी स्थिति में भूमि की वास्तविक स्थिति का अध्ययन करके उसके नियोजन के लक्ष्यों को निर्धारित किया जा सकता है। वहीं जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ ये भूमि उपयोग औद्योगिकरण और नगरीकरण के दृष्टिकोण से भी इसमें संतुलन होना आवश्यक है, क्योंकि यदि भूमि का सही दृष्टिकोण से उपयोग नहीं किया गया तो भारत में खाद्यान्न की समस्याओं का, बसाव की समस्याओं का निराकरण न किया जा करके और कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। औद्योगिक क्षेत्रों का विकास इन समस्याओं का निराकरण और नियोजन द्वारा ही हो सकता है, जिसके लिए भूमि सर्वेक्षण और वर्गीकरण आवश्यक है। भारत में यदि हम बात करें तो भूमि उपयोग सर्वेक्षणों का कार्य भूगोलविदों द्वारा प्रारंभ किया गया। इस संबंध में 1938 में इंडियन साइंस कांग्रेस के अधिवेशन में प्रोफेसर LD स्टाम्प ने भी भाग लिया और भूमि उपयोग सर्वेक्षण की सलाह दी, और विश्व स्तर पर भी स्टाम्प के निर्देशन में और सलाहों के अनुसार ही भूमि उपयोग सर्वेक्षण कार्य किए गए थे। भारत में भी भूमि उपयोग सर्वेक्षण हेतु ब्रिटिश काल के समय इन्होंने सलाह दी। इसके लिए 1951 में एक राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण निदेशालय गठित किया गया। यह संगठन संपूर्ण भारत में प्रतिचयन विधि द्वारा भूमि उपयोग संबंधी और फसल उत्पादन संबंधी आकलन करता है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में इस क्षेत्र में एक प्रगति हुई और NSSO जो है वो उसके द्वारा भूमि उपयोग सर्वेक्षणों के अध्ययन के संबंधी कार्य को संभाला गया। सर्वेक्षण का शुभारंभ प्रोफेसर SP चटर्जी ने 24 फरगना और भाकता जेलों का सर्वेक्षण करके किया, और भारत में भूमि उपयोग सर्वेक्षणों का कार्य यहाँ पर प्रारंभ होता है। उन्नीस सौ सैंतालीस से 56 के बीच अलीगढ़, पटना, कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई और वाराणसी विश्वविद्यालयों के भूगोल विभाग में इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए गए। ये अध्ययन प्रोफेसर सफ़ी, BN गांगुली, यूनैन, थुनैन, जंजाक, SS भाटिया, जसवीर सिंह आदि विद्वानों के निर्देशन में किए गए, और इन विद्वानों के द्वारा भारत में भूमि उपयोग कार्यों और सर्वेक्षणों का अध्ययन करके ये पता लगाने का प्रयास किया गया कि भारत में वर्तमान समय में भूमि उपयोग की क्या स्थिति है और कौन कौन से क्षेत्रों में इनका उपयोग में ली जा रही है और कहाँ पर विकास और नियोजन की संभावनाएं हैं, जिससे आगामी आने वाले समय में भूमि उपयोग को बढ़ाकर या घटाकर इसका संतुलन किया जा सकता है। इसी संबंध में कार्य करते हुए RP मिश्रा, फारूक सिद्दीकी, ब्रजभूषण सिंह, BC त्रिपाठी मुखर्जी, प्रमिला कुमार, माजिद हुसैन जैसे भूगोल वेताओं, PS तिवारी और RL सिंह ने उत्तर प्रदेश का एटलस और थीमेटन मानचित्रण का कार्य संपूर्ण किया। भूमि उपयोग मानचित्र तैयार किए, जो धरातल पत्रक इकाई, फोटोचित्र एवं सुदूर संवेदन छाया से तैयार किए गए थे। एक तरीके से इस समय भूमि उपयोग सर्वेक्षणों का कार्य भूगोल वेताओं के द्वारा बड़े व्यापक स्तर पर किया गया और इसके मानचित्रण भी किया गया, ताकि वास्तविक स्थिति में भूमि का पता लगाया जा सके और उसकी क्रमिक श्रृंखलाओं को विकसित किया गया।
वर्तमान में भूमि उपयोग शोध एवं सर्वेक्षण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, विभिन्न विश्वविद्यालयों, इंडियन काउंसिल फॉर सोशल एंड साइंटिफिक रिसर्च ICSSR आदि सरकारी एवं अर्ध सरकारी संस्थाएँ नियोजन संबंधी कार्य अखिल भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण संगठन ने किया है। इसमें भूमि को 2 मुख्य और 8 वर्ग उपवर्गों में विभाजित किया गया है। स्वतंत्रता के पश्चात इन संगठनों के द्वारा भारत में भूमि उपयोग सर्वेक्षण को प्राथमिकता के साथ कार्य संपादित किया गया और भूमि के अलग अलग वर्गों का निर्धारण और चयन किया गया, जिसके आधार पर आगे आने वाले समय में भूमि की वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। इसके जो वर्ग हैं उसमें सर्वोत्तम कृषि योग्य भूमि, जिसमें कोई समस्याएं नहीं हैं, उत्तम कृषि योग्य भूमि, अपरदन एवं बाढ़ से ग्रसित जो भूमि है वहाँ पे, मध्यम उत्तम कृषि योग्य भूमि जिसमें अपरदन एवं बाढ़ नियंत्रण किया गया है, जल संरक्षण के उच्च प्रबंधन की आवश्यकता होती है, सीमित कृषि योग्य भूमि, उचित प्रबंधन एवं संरक्षण नितांत आवश्यक जहाँ पर हैं उन वर्गों के आधार पर कृषि भूमि का निर्धारण किया गया है। वर्तमान समय में भूमि उपयोग सर्वेक्षणों के लिए कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग करके और बहुत आसानी से और क्रमिक रूप से भूमि उपयोग सर्वेक्षणों के द्वारा वर्तमान समय में विभिन्न क्षेत्रों में काम में ली जा रही भूमि और बदलते हुए भूमि प्रतिरूपों का पूरे देश के संदर्भ में अध्ययन करना सरल हो गया है। इससे भूमि की वास्तविक स्थिति का पता चल सकता है और हमें आगामी समय में आवास के लिए, कृषि के लिए और अन्य विकास कार्यों के लिए कितनी भूमि उपलब्ध हैं और कहाँ पर इनको नियोजित किया जा सकता है, जिसे हम व्यावहारिक भूमि उपयोग अध्ययन कहते हैं, के द्वारा उनको नियोजित किया जा सकता है। देश में विकास योजना आयोग के द्वारा की जाने वाली विकास योजनाओं के माध्यम से इन भूमि उप क्षेत्रों का कृषि एवं अन्य क्षेत्रों के माध्यम से भी विकास कार्य किया गया है, जिससे भारत में भूमि उपयोग सर्वेक्षणों को महत्व मिला है।